पंजाब दे कोने कोने च आवारा पशुआं ने अपना आतंक मचा रख्या। इन्हां दा आतंक ते खौफ आतंकवादियां तो भी ज्यादा हो गया है। लोकां च लोक गुंडियां तो ज्यादा इन्हां आवारा पशुआं तो डरन लग गए ने। इन्हां दा पता नहीं चलदा कि इह कदों ते किवें हमला कर दे। आए दिन इन्हां आवारा पशुआं कारण किसी ना किसी नूं अपनी जान गवानी पै जांदी है ते इसदा इक्को इक दोषी है साडा प्रशासन, जिस कोल इस समस्या दा कोई हल नहीं। बस ओह इह कह के टाल जांदे ने कि हल कढ रहे आं। इस बार इन्हां आवारा पशुआं दा शिकार होया बरनाला दे पिंड मल्लियां दा इक नौजवान, जो अपने ही जन्मदिन दीआं तैयारियां कर रहा सी। उसनूं की पता सी कि उसदे जन्मदिन वाले दिन ही उसकी मौत लिखी है। पहला देखो पंजाब दे अलग अलग कोनियां तो आईयां कुछ तस्वीरां जिन्हां च इन्हां आवारा पशुआं दा आतंक ते भयानक कारनामे ने। मम्मी मैं तू मुंडे कहने जन्मदिन का भी पार्टी लेनी है। पार्टी देने चला मैं 15 मिनट कहना तेरे को आ जाऊंगा, जो तू कम नबेड़ेगी मैं उदो आ जाऊंगा। बस इन्नी गल कह के गया, मुड़ के तीन वापस नहीं आया। मैंने तो 9 बजे फोन आया जो चाचा जी आके दस के गए थे डैडी भी एक्सीडेंट हो गया अपने सुखबरी का। बस ओदी डैडी तेरा चाचा जी भज गए, मुड़ के मूहे अगे गां आई है, गां नाल ही एक्सीडेंट होया। उस बाद तो सानू कोई पता नहीं, कोई कहना लुधियाने लै गया, कोई कहना बरनाले लै गया, सानू नहीं पता लगा की होया की ना। परिवार च मातम छाया है। परिवार वाले प्रशासन ते राज सरकारां नूं दुहाई लगा रहे ने कि साडे बच्चे दी मौत दा कारण मौजूदा सरकार ते हे रोड ते पैसा बटोरन वाले टोल प्लाजा वाले ने। उदों ही आपदी बर्थडे पार्टी मनाउण दा करके खुशी च आपदे यारां दोस्तां नाल हस खेड रहा सीगा, उह जा रहा सीगा, बस अचानक ही डंगर आया जी, मौके ते इकदम ही उहनां दी मौत हो गई। सरकार जिम्मेवार आ जी, रोड वाले जिम्मेवार आ जी, जो टोल प्लाजे ते आपदे टैक्स कटदे आ जी, होर टोल प्लाजा लैंदे आ जी, उहनां नूं थोड़ी बहुती आप अपनी जिम्मेवारी सामनी चाहिए है जी। रोड तो डंगर हटाने जो सातों टोल प्लाजे के पैसे कट रहे जी, वो किश्ती कट रहे हैं, इस तरह चीज़ की कट रहे हैं जी, सुरक्षा की जान की सुरक्षा की कट रहे हैं लोगों के लिए जी, भी इन्हों वधिया सहूलत मिले जी, इसलिए रोड साफ बनाए गए हैं जी। उन्हों का कोई इंतजाम होना चाहिए जी डंगर का जी। इस मामले कारण राष्ट्रीय प्रमुख मार्गदर्शक मंडल गौपुत्र फौज दे विजय कुमार मारवाड़ी ने सरकार नूं लम्मी हथी लिया ते इन्हां हादसियां दा कारण सरकार ते टोल प्लाजा नूं दस्या। इसके लिए सरकार दोषी है और सरकार के पास जो पंजाब में काउसेस लगाया है वो तकरीबन 100 करोड़ के तकरीबन इकट्ठा हो चुका है काउसेस, उसे सरकार कहीं खर्च नहीं कर रही। उस जो स्कीम चली थी कि 25-25 एकड़ जगह सरकार ने हर जिले को दी थी, उसके अंदर कुछ कुछ जगह जहां मिली उसके अंदर कुछ गौवंश पहुंच चुके हैं। अब किसान भाई भी दुखी हैं क्योंकि हम गाय को बचाते हैं तो किसान मरता है, किसान को बचाते हैं तो गाय मरती है, वो लोग अपनी फसलों को बचाने के लिए इनको एक जगह रखे रखे इकट्ठा कर रही है किसान लोग। और वो किसान जब उस गाय से बिल्कुल राखे उनको शहरों में छोड़ जाते हैं फसलें बचाने के लिए, जो एक्सीडेंट का मुख्य कारण है। इस पर प्रशासन बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा। प्रशासन आए उसको गाड़ियों को रोके, जहाँ की गाड़ी उसको गौवंश को गौशाला में भेजे, कैटल पॉन्ड में भेजे। 4000 एकड़ पंजाब में भू माफिया के पास जगह जो है वो भू माफिया के पास गोचर भूमि की है, उसको खाली कराए, वहाँ गौवंश रखने का प्रबंध करे सरकार,
100-100 करोड़ रुपए इकट्ठा करके उसको रखे बैठी है। हाँ, हमने कई बार टोल टैक्स वालों से पूछा है कि आप लोग जब यहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं तो पुलिस को इन्फॉर्म करो, वहाँ से गाड़ी नंबर भी रुकेगी भी गाड़ी, और वो टैक्स भी लेंगे, उसमें पूछेंगे भी क्या चीज़ है, वो बताने को तैयार नहीं है कि हमारे पास तो खाली टोल टैक्स काट दिया। हाँ, वो भी दोषी हैं पूर्ण तौर पे। हम पीछे अभी एक हफ्ता पहले बरनाला के बड़बड़ टूल पे गए तो उन्होंने कहा हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि हम बताएं आपको कौन सी गाड़ी यहाँ से। उधर जदों इस समस्या नु लेके SDM बरनाला संदीप कुमार नाल गल की गई तो उन्होंने इस समस्या नु ज्यादा सीरियस ना लेंदे हुए अपने अफसरी अंदाज च यह साफ कह दिता कि यह समस्या शहर बरनाला की नहीं, पंजाब की नहीं, बल्कि पूरे देश की समस्या है। जो आवारा पशुओं की गल है, ये एक्चुअल में पूरे पंजाब की, बल्कि मैं तो कहूँगा पूरे इंडिया की जो प्रॉब्लम है, क्योंकि पहला भी इतने मनाल गौशाला बनी हुई, कई गौशाला ने, सारी गौशाला के बारे सर्वे किया गया तो सारी गौशाला लगभग फुल हैं, तो उत्थे मतलब ईवन आई विल से कि ओवरक्राउडेड ही है। एक होर प्रॉब्लम है कि दूजे डिस्ट्रिक्ट वाले या दूजे पिंड वाले इत्थे ट्रक भर के अपने पशु छड़ जाते हैं, वो भी साढ़े ध्यान दे विच आया है, तो वह भी आप कह कि दे भी कार्रवाई की जाए कि कोई ऐसे ही इत्थे अपने पशु इत्थे ना छड़ के जाए। ये एज ए सोसाइटी वी हैव टू थिंक कि आप जो है किवें इस प्रॉब्लम नू सॉर्ट आउट करना है। सरकार वालों जिमें गौशाला दे विच सैस भी लग्या होया है, पैसा भी आंदा है, तो वो उन्हों का चारे का भी आप प्रबंध करते हैं, बट ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हमें एज ए सोसाइटी एज ए कंट्री टैकल करनी। गौशाला दे विच भी ऐसी गल है नहीं कि वो टैकल नहीं करते, उत्थे भी पहले भी ओवरक्राउडेड हैगा, क्योंकि 2-3 बार बरनाला पूरा का पूरा शहर जो बरनाला वासियां दी प्रॉब्लम सी, पूरे के पूरे शहर तो इतों ठे ते जो गऊं सी वो सारियां नू ले जाके भेज दिता गया, उस तो बाद उत्थे ओवरक्राउड हो गया ते होर लोकी फिर अपना छड़ जांदे ने, बट अगे एवें जी कोई घटना जे वापरदी है ते सख्त कार्रवाई की जाएगी। चकदे टीवी नाल जुड़े रहन ले साडा चैनल सबसक्राइब करो, वीडियो सब तो पहला देखने ले बैल आइकन ते क्लिक करना ना भुल्यो।